देखो दोस्तों, आज बनाएंगे एक खूबसूरत हैंगिंग होम डेकोर। उसके लिए मैंने ले लिया है दो कलर फुल A4 पेज। ये पूरा A4 पेज की तरह पतला ही है, मगर इसमें ग्रीन कलर है और एक लाइट ग्रीन। इसके बाद एक स्केल के मदद से मैं थोड़ा पेपर कट कर लूंगी, उसको थोड़ा सा छोटा टुकड़ा, एक स्क्वायर शेप टुकड़ा मैं निकाल लूंगी, उसको बीच में से फोल्ड कर दूंगी। फोल्ड करके थोड़ा राउंड शेप करके एक लीफ की तरह और पत्ते की तरह इसको कट करना है। देखो कुछ इस तरीके से, देखो एक लीफ और पत्ता बन गया। ये एक बना है, मुझे बहुत सारा पत्ता चाहिए, इसलिए मैं एक दूसरा टेक्निक भी दिखाती हूँ जिसके मदद से हम लोग एक साथ एट अ टाइम बहुत सारा लीफ बना सकते हैं। ऐसे पूरा पेपर को फोल्ड कर लिया एंड बीच में से फिर से फोल्ड कर लिया। उसके बाद हम लोग एक स्क्वायर में जो कर रहे थे पूरा सेम टेक्निक इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसमें से एक साथ बहुत सारा पत्ता हम लोगों को एट अ टाइम मिल जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से। फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू मेक ब्यूटीफुल पेपर फ्लावर्स। इसके लिए मैंने एक A4 पेज को ऐसे चार टुकड़ों में कट कर लिया है। उसके बाद चार पीसेस को एक साथ लेके इसको बीच में से फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरीके से। अभी जिस साइड को फोल्ड किया है सीजर के मदद से उसको छोटा छोटा ऐसे करके कट करते रहेंगे। देखो ठीक इस तरीके से इसको ऐसे करके पूरा कट करके कंप्लीट कर लेंगे। देखो पूरा कंप्लीट हो गया। अभी इस जो चार पीसेस है इसको हम लोग अलग अलग करके सेपरेट कर लेंगे। देखो कट करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हम लोग ग्लू के मदद से इसको, इसका जो दो साइड पोर्शन है उसको हम लोग ग्लू के मदद से स्टिक कर लेंगे। देखो कुछ इस तरीके से। इसके बाद इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत स्मॉल स्मॉल पेपर फ्लावर्स रेडी हो जाएगा। देखो ग्लू के मदद से हम लोग इसको पूरा स्टिक कर ले रहे हैं जो फोर पीसेस है। एक्चुअली एक फ्लावर के लिए फोर पीसेस ऑफ पेपर्स हम लोगों को चाहिए। अभी देखो चारों पीसेस रेडी हो गया। अभी एक पीस को ऐसे ग्लू लगा के ऐसे राउंड राउंड करके फोल्ड कर देंगे। ये फोल्ड हो जाने के बाद दूसरा एक पीस लेंगे एंड उसमें ग्लू लगा के पहले पीस के ऊपर उसको भी राउंड राउंड करके जोड़ देंगे। देखो इस तरीके से बहुत ही इजी है, सब लोग कर सकते हो इसको, कोई टफ चीज नहीं है। बच्चे भी कर सकते हैं स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए। चारों पीसेस को हम लोग एक के बाद एक ऐसे ग्लू लगा के जोड़ते जाएंगे और स्टिक करते जाएंगे। देखो अभी ऐसे करके थोड़ा स्प्रेड कर देंगे जो ऊपर का पोर्शन है। उसके बाद देखो
पेपर फ्लावर एकदम रेडी हो गया। कितना क्यूट सा स्मॉल सा है, कितना अच्छा दिख रहा है। ऐसे कर देखो दोस्तों, इस DIY प्रोजेक्ट के लिए मैंने लिया है नॉर्मल जो पेपर कप होता है वो, उसके साथ मैंने ले लिया है ये जूट रोप। अभी मैं हॉट ग्लू के मदद से जूट रोप से ये पूरा पेपर कप को कवर कर दूंगी। ऐसे देखो, ऐसे करके पूरा ये मैं घुमाती जाऊंगी एंड ये रेडी होता जाएगा। देखो दोस्तों, रेडी हो गया मेरा पेपर कप, पूरा जूट रोप से कवर हो गया है। पीछे भी मैंने कर लिया है एंड पूरा इसका बॉडी में भी ऐसे कर लिया है। के लिए हम लोगों ने ले लिया है ऐसा जूट रोप, और हम लोगों ने जो लीफ कट करके रखे थे वो भी ले लिए हैं। अभी हम लोग एक एक करके इस लीफ को इस जूट रोप में स्टिक करेंगे हॉट ग्लू के मदद से। देखो, मैंने यहाँ पर थोड़ा हॉट ग्लू लगा लिया। अभी यहाँ पर जो ऐसा लीफ है इसको मैं यहाँ लगा दूंगी। ऐसे करके मैं और एक लीफ ले लिया, उसके पीछे थोड़ा ग्लू लगा लिया। अभी इसको भी मैं ऐसे लगा दूंगी। अभी मैं दूसरे कलर का लूंगी, एक डीप कलर एक लाइट कलर। ऐसे करके मैं यहाँ पे इसको लगाती जाऊंगी एक के बाद एक, तो पूरा एक ट्री ब्रांचेस के तरह ये रेडी हो जाएगा। देखो दोस्तों, ऐसे मेरा ब्रांचेस रेडी हो गया है। देखो कितना सुंदर दिख रहा है। दो कलर, आप कोई भी कलर ले सकते हो, पत्ते का जो कलर होता है वही मेनली लेना चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। तो देखो ऐसा हो दिख रहा है। अभी मैं ऐसा 5-6 रेडी कर लूंगी। देखो दोस्तों, अभी मैंने ले लिया है ये जूट रोप, इसको मैं ऐसे एक गोला बना लूंगी। उसके बाद हॉट ग्लू के मदद से इस कप में ऐसे लगा दूंगी। देखो अभी देखो, ये ऊपर थोड़ा खाली रहेगा। हम लोग अभी ये जो ब्रांचेस बनाए हैं उसके जो एंड पोर्शन है उसको हॉट ग्लू के मदद से यहाँ अटैच कर देंगे। ऐसे करके देखो दोस्तों, कप के अंदर हॉट ग्लू के मदद से मैंने जो स्टैंड्स था और ट्री ब्रांचेस था उन सभी को अटैच कर दिया है। उसके बाद दिखने में ऐसा लग रहा है। अभी हम लोगों ने जो फ्लावर रेडी किया था वो ले लिया है। अभी हॉट ग्लू के मदद से इस ब्रांचेस में इस फ्लावर्स को अटैच कर देंगे। देखो दोस्तों, ऐसे मैं ग्लू लगा रही हूँ फ्लावर के जो बैक पोर्शन है वहां पे। अभी ऐसे करके थोड़े थोड़े डिस्टेंस में हम लोग फ्लावर पूरा लगा लेंगे इस ब्रांचेस में। देखो दोस्तों, पूरा सब जितना सारा फ्लावर था मैंने अटैच कर दिया है। उसके बाद दिखने में ऐसा लग रहा है। अभी मैं ये जो कप है यहाँ पे एक लूप बनाऊंगी इस जूट रोप से ही। देखो ऐसे मैंने एक लूप बना लिया है इसे हैंग करने के लिए। अभी मैं इसे यहाँ पर ऐसे बांध दूंगी तो लूप क्रिएट हो गया। अभी इसको हम लोग हैंग करेंगे एंड चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसे होता है।
एंड हियर इट इज, दिस इज इट्स फाइनल लुक। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। जरूर ये घर में ट्राई करना एंड पिक्चर शेयर करना।